once again. वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। यहाँ पे हम बताने वाले एक और नए इंडिकेटर के बारे में आप सभी को, तो इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आप यार पूरा वीडियो तो देखते नहीं हो, बीच में देखकर निकल जाते हो, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता और अपना लॉस कर बैठते हैं। तो यहाँ पे सबसे हम इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे सर्च करते हैं हार्मोनिक पैटर्न। ये जो है, ये वाला जो इंडिकेटर है फर्स्ट में आपको दिखेगा, ये वाला आपको फेवरेट में रख लेना। और यहाँ पे आप जब भी इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको ना ये बैंड और सेलिंग का ये जो है सिग्नल देता है कि किस जोन तक आपको बाय करके रखना है और आप कहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट लेना है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो है ना फिबोनाकी को यूज़ करता है ये जो इंडिकेटर है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है फिबोनाकी। यार आप जानते ही होगे इसके बारे में अगर आप एक ट्रेडर हो तो यहाँ पे इस इंडिकेटर में इस जोन में हमें सेलिंग का ऑप्शन मिला। सेलिंग का ऑप्शन में टेक प्रॉफिट फर्स्ट ये था 23.6%, 50%, उसके बाद जो है अलग अलग आपको जो है परसेंटेज देखने को मिल सकेंगे प्राइस के साथ में। तो जब भी मार्केट में ऐसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस इंडिकेटर के जरिए, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री लें। अब यहाँ पे इस जोन में आपको जो है बाइंग का ऑप्शन मिला, लेकिन ये नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये जो है चारों ही जो हमारा प्रॉफिट था उसे लिए अचीव कर लिया वेरी इजीली। ओके, तो चले जाते हैं हम थोड़ा और नीचे। अब इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद में इस जोन में थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इस जोन में आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब थोड़ा मार्केट को ओपनिंग को देखते हैं और हम मार्केट में थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में आपको सेल ट्रेड देखने को मिला है सेलिंग का जो है हमारे इंडिकेटर के ज़रिए। अब यहाँ पे अगर आप इस प्राइस रेंज में सेलिंग डालते हैं मार्केट में, तो यहाँ पे आपको 3 TP आपको ईजिली अचीव हो जाता प्राइस। देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, कई बार ये फॉल सिग्नल भी देता है। तो इससे बचने के लिए आप ना थोड़ा RSI को भी ध्यान में रखना, क्योंकि यार RSI भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसके साथ में आप RSI को एक बार ध्यान में रखकर ट्रेड लेना तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा आप सभी के लिए। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको जो है फॉल सिग्नल देखने को मिला है, इस जोन में आपको बाइंग का ऑप्शन देखने को मिला, ये यहाँ पर TP2 तक यहाँ पर हमें जो है अप ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है आपको ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ये सभी टाइम फ्रेम में और सभी मार्केट में वर्क करता। चलिए हम चले जाते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स अभी लाइव है, क्योंकि अभी बंद नहीं हुआ है मार्केट जो है फ्राइडे के हिसाब से, अभी ऑन है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मार्केट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग का ट्रेड देखने को मिला था, सेलिंग ट्रेड देखने को मिला और चारों ही टारगेट को यहाँ पास इजिली अचीव कर लिया। अब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पास फॉरेक्स के लिए बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे के कंपेयर में। तो यहाँ पे फॉरेक्स में आपको इस जोन में आई थिंक सेलिंग सिग्नल देखने को मिला। ओके, इस जोन में सेलिंग सिग्नल देखने को मिला और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू आपको, मतलब कुछ ही टाइम में आपको यहाँ पर चारों ही टारगेट ईजिली अचीव हो गए हैं इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एक बार इंडिकेटर को यूज़ करके देखो, बैक प्रैक्टिस करो, जरूर करो। बैक प्रैक्टिस करने से आपको कन्फर्मेशन होगा कि हाँ ये वर्क करता है कि नहीं, ताकि आप जो है पेपर ट्रेड करो। यार सीधी बात है, पेपर ट्रेड करो, मनी मत लगाओ मार्केट में, सीधा उसे ट्रेड में लो और सीधा मार्केट को देखो कि क्या होता है इस इंडिकेटर के जरिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेलिंग ट्रेड देखने को मिला, मार्केट कंटिन्यू डाउन हुआ और आपको प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो इंडिकेटर है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आपको रोल करता है आपके ट्रेडिंग के लिए। तो एक बार इस इंडिकेटर को यूज़ करके जरूर देखो। आपको मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यार सीधी सी बात है, आप जब तक मार्केट में खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं आपको मेरे इन्फॉर्मेशन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आप बैक प्रैक्टिस करो, बैक प्रैक्टिस करने के बाद में आपको काफ़ी अच्छा जो है नॉलेज हो जाएगा इस इंडिकेटर के बारे में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू।